सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज 25 मई का आज दिनांक हो चुकी है और वीरवार का आज दिन है। तो देखते हैं सोलन सब्जी मंडी में क्या कुछ बाजार आज के दिन देखने को मिलता है। एक एक करके सारी आइटम्स का अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। फ्रांस बीन की बात करें, चाहे लहसुन की बात कर लें, चाहे आलू प्याज की। आजकल आलू प्याज भी यहाँ पर नई क्रॉप यहाँ पर पहुँच रही है मंडी में। पहाड़ी आलू पहुँच रहा है और साथ ही साथ जो प्याज है वो भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का और फ्रेश प्याज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आज क्या कुछ एग्जैक्ट दाम फल व सब्जियों के रहते हैं आपके साथ सारी जानकारी साझा करेंगे। तो 44 नंबर शॉप सोनू सर से आज का अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी दर्शकों से आग्रह कि वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बाकी आप स्क्रीन पर फ्रेश फ्रूट्स देख पा रहे होंगे कि अंगूर यहाँ पर काफ़ी फ्रेश और साथ ही साथ आम और पपीता और बाकी यहाँ पर खरबूजा और तरबूजा का यहाँ पर नॉर्मली अब सीज़न भी चल चुका है और इनके दाम भी यहाँ पर गिर चुके हैं। तो नॉर्मली देखने को मिलता है कि थोक में जब यहाँ पर मंडी में कोई भी क्रॉप यहाँ पर पहुँचती है तो उसके दाम यहाँ पर लेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर मशरूम आप देख पा रहे होंगे, फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो सीधे चलते हैं सोनू सर के पास और ले लेते हैं आज का फ्रेश अपडेट। मूली भी दर्शकों यहाँ पर ये लोकल पहुँची, हालांकि इतनी बेहतरीन क्वालिटी की मूली नहीं, और इसके बावजूद क्या इसके दाम है वो भी हम अवश्य जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सोनू सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनसे आज जानते हैं कि क्या कुछ करेला भी यहाँ पर काफ़ी फ्रेश और बेहतरीन क्वालिटी का पहुँचा है, क्या इसके एग्जैक्ट दाम है, इसलिए हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हाल हैं सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा चला है सर आज का बाजार? ठीक है, बस ज़रा ठंडा हो गया मौसम, बारिश हो जाती है काम के टाइम। हाँ ठीक है, अब जरा धूप लगी। करेले से शुरुआत करेंगे सर, बहुत बेहतरीन है करेला, बहुत बढ़िया है जी। चटाई करेला है, नंबर 30 रुपये किलो बिक रहा है ये, ये वाला 25 रुपये बेच रहे हैं, ये अच्छी क्वालिटी है 30 रुपये वाले। मतलब वेरिएशन क्या रहती है इनमें टेस्ट में? इसमें टेस्ट क्या, साइज बड़ा है इसका, स्वाद में फ़र्क होएगा, वो ज़रा दागी भी हो जाता है, ख़राब नहीं होता जल्दी, ये क्वालिटी का। और भिंडी की बात करें सर, भिंडी आपकी 22 और 25 रुपये बिक रही है, बढ़िया भिंडी, हल्की भिंडी है वो 15 रुपये बिक रही है बोरी वाली, वो लक्कड़ भिंडी होती है। और घिया कद्दू? घिया आपका 10-12 रुपये है, कद्दू 7-8 रुपये किलो है। और ये गाजर सर? गाजर 25 रुपये किलो बिक रही है। बंद गोभी, फूल गोभी? बंद गोभी 7 रुपये, फूल गोभी सुबह 30 रुपये बिकी, बाद में 25, सुबह सुबह तेजी थी, ज़रा हाई नहीं थी गोभी ने। उल्लू की गोभी काफ़ी हाई दाम मिल रहे हैं सर? वो हाई दाम है जी, वो आपकी समझ लो 35 और 40 रुपये, चंडीगढ़ से मंगाई थी हमने ऑर्डर पे, तो हमारे को आई वहाँ से 33 रुपये, 33 ऊपर कमीशन है, 7% किराया, किराया तो पड़ गया हमारे को 30 रुपये। और ये 30 रुपये बीच। टमाटर क्या बिक रहा है सर? टमाटर 200, 250, 300, बढ़िया टमाटर नंबर 1 300 है, हल्के टमाटर 200-200 रुपये। लोकल टमाटर तो अभी आया नहीं सर? लोकल गंबरपुल आया था, वो अभी 200 रुपये बिका था, 200, उसमें बीमारी अभी थोड़ी ना जी, दागी स्टार्टिंग में रहते हैं। हाँ दागी उसमें, वो मतलब सुल्ली टाइप होती लगी हुई ना जी, कीड़ा टाइप। और शिमला मिर्च काली तोरी? शिमला मिर्च में तेजी है, पहले 10 रुपये बिक रही थी, अब 14-15 बिक रही है। काली तोरी 30 रुपये बिक रही है, बढ़िया वाली, एक इसी में हल्की है 20 रुपये बिक रही है। और ये बाकी सब्जियाँ तेज? बाकी डाल महंगी है, ये 550 की है, पहले होती थी 480 की, अब 55 रुपये पीस है, गर्मी ज़रा ज़्यादा हो गई है। बाकी बैंगन, बैंगनी 20 रुपये बिक रही है, नींबू आपका 80-90 रुपये बिक रहा है, पालक 15-18 रुपये गुच्छी है, धनिया में तेजी है 50-60 रुपये बिक रहा है, अचारी आम आया हुआ आज ये 20 रुपये किलो बेच रहे हैं। और ये तेज मिर्च सर? तेज मिर्च 30 रुपये किलो बिक रही है जी, 30 रुपये। और ये टिंडा क्या? टिंडा भी 30 रुपये किलो है। परवल कुंदरू आ रहा है सर आजकल? परवल आ रहा है जी 45 रुपये किलो है, कुंदरू भी 45। और मूली क्या रेट है? मूली हल्की मूलियाँ 20 रुपये है, अच्छी मूली 25 रुपये बिक रही है। मूली के दाम भी बढ़ चुके हैं सर हल्के? नहीं अब तो कम होगी, पहले महंगी थी 40 रुपये थी बीच में, अब तो समझो आधे हो गए 40 से 20-25 रुपये। जुगनी खीरा? जुगनी है चंडीगढ़ की है, ये 15 रुपये बेच रहे हैं, खीरा सीलेस है 20 रुपये, जो एक नॉर्मल होता है ये वाला, ये 15-16 रुपये बिक रहा है। और अदरक की बात करें सर? अदरक में तेजी है जी, आसाम वाला 240-250, जो यहाँ का लोकल जिम्मेदारों का है वो 120 से लेके 160 रुपये। और क्वालिटी के ऊपर मशरूम क्या बिक रहा है? मशरूम 120 रुपये बिकती है, 110-120। अदरक? अदरक आपका हो गया वही 240-250 रुपये। बीज का अदरक है सर? बीज का बिक रहा है जी 120-160, बढ़िया। और वहीं लहसुन की अगर बात करें सर? लहसुन ढोन हुई है जी मार्केट, खिला हुआ लहसुन बिक रहा है 25-30 रुपये, जो गोली है वो भी 30 रुपये, मीडियम आपका 50-60 है। जब यहाँ का ख़त्म होने लगता है तब बीज का शुरू, तब यहाँ पर पहुँचता है। और हरे मटर की बात करें सर?
हरा मटर जी जो छांट है वो बिक रही है 10-15 रुपए, जो बढ़िया मटर है वो 25-30 रुपए, 40 वाला तो थोक में परचून में बिकता है मतयूर साइड का 40 रुपए 35-40, वो भी अच्छा मटर बहुत सुपर जो। बाकी हल्के मटर हो गए आप उनका रेट वही 15-20-25 माल देख देख के जैसे माल। और फिर सर फ्रूट्स की बात कर लें हम, पपीता खरबूजा फ्रूट में आपका पपीता बिक रहा है 30-35 रुपए, तरबूज आपका 10-12 रुपए है, जो खरबूजा है वो आपका 17-18 रुपए बिक रहा है, अंगूर आ रहा है एक स्टोर वाला वो 1000 रुपए की क्रेट है 10 किलो। और सेब अनार, सेब एक 1500 का आ रहा है बढ़िया वाला, उसी में हल्का सेब आता है 1300 का है, और अनार आपका बढ़िया 1100 का है, थोड़ा हल्का आएगा वो 700-800 रुपए का। और आम साइज ब्रीक रहे आम, अमरूद आम 55-60 रुपए, अमरूद आ रहा है 1000 रुपए का डब्बा। और लीची भी आ रही है सर आपकी मार्केट में, लीची आज आई है जी 80-100 रुपए किलो बिकी है, कीवी महंगी है, कीवी 750 की है। लीची कहाँ से आती है सर ये लीची? आप यहाँ से लोकल भी होती है हमारी कांगड़ा साइड की, पर ये तो नीचे से ही आ रही है, साउथ से ही आती है। हाँ जी, वहाँ से आ रही है। और बाकी अगर हम पाइनएप्पल की बात कर लें सर, पाइनएप्पल राजा आपका बिक रहा है 45 रुपये, रानी महंगी है गर्मियों करके जूस में ज़्यादा लग रही है 70-75 रुपये किलो। और केला स्टोन फ्रूट, केला आपका सस्ता है 410-430 रुपये लास्ट, 400-430। स्टोन फ्रूट्स क्या बिक रही है? चेरी आई थी, चेरी बिकी है 200 रुपये बॉक्स एक किलो का, बाकी खुरमानी आ रही है 20 रुपये से लेके 40 रुपये तक है, बढ़िया सुपर केशा खुरमानी, बाकी दूसरी वही 20-25 रुपये बिक रही है, पलम आ रहा है वो भी 40-45-50 बिक रहा है, आड़ू आ रहा है आपका बढ़िया आड़ू 50 रुपये है, थोड़े हल्के आ रहे हो 20-25 रुपये बिक रहे हैं। और फ्रांस बीन में की बोली हो चुकी है? फ्रांस बीन अभी बोली होगी जी, कल 42 हुई थी परसों 44, आज देखो 45-50 जो भी होगी, अब माल कम लग रहा है इसलिए हो सकता है थोड़ी तेजी हो सकती है अभी। और पुदीना क्या बिक रहा है सर? पुदीना 40 रुपये। चलिए, शॉप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर? शॉप नंबर 44-94181-6371। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो दर्शकों ये आज का यहाँ पर जो फ्रेश अपडेट फल व सब्जियों का, टमाटर आप देख पा रहे होंगे कि 250-300 के आसपास का जो बहुत ही सुपर टमाटर है वो यहाँ पर 300 बिक रहा है। बाकी हालांकि अभी जो लोकल यहाँ पर बताया जा रहा है कि गंगपुर का यहाँ पर टमाटर सबसे पहले चल जाता है, क्योंकि गर्मी वाला वो इलाका, तो जिस करके यहाँ पर वहाँ का जो टमाटर है वो सबसे पहले यहाँ पर पहुँच जाता है, तो उसे यहाँ पर जो स्टार्टिंग में यहाँ पर हमारी भाषा में कहते हैं कि काने टमाटर पहुँच रहे हैं, तो वही यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उसके दाम यहाँ पर 200 तक यहाँ पर मिल रहे हैं। और लहसुन के बाज़ार की जैसे हमने चर्चा की कि यहाँ पर 90 रुपये किलो तक का यहाँ पर मैक्सिमम बाज़ार देखने को मिल रहा है लहसुन का, क्योंकि रीज़न यहाँ पर सभी यही कह रहे हैं क्योंकि बीच में गीले माल के यहाँ पर लोडिंग हो चुकी थी, तो जिस करके यहाँ पर अभी मार्केट में यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ फ्लड में यहाँ पर चारों ओर से यहाँ पर माल पहुँचना शुरू हो चुका है, क्योंकि सारी जगहों का माल यहाँ पर तैयार होकर मंडी में पहुँच चुका है, तो जिस करके यहाँ पर थोड़ी वेरिएशन तो देखने को मिलती ही है। तो दर्शकों देखते हैं आज क्या बोली यहाँ पर बेन की रही है, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, साथ ही साथ लहसुन पर भी चर्चा करेंगे कि लहसुन क्या बाज़ार इस वक्त चला हुआ है, क्या डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है लहसुन में। तो आज 25 नंबर शॉप से आज हम अपडेट लेने वाले हैं लहसुन के साथ साथ यहाँ पर फ्रांस बीन का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हाल हैं सर? बढ़िया। क्या बाज़ार है सर आज लहसुन का? लहसुन का बाज़ार तो एक दो दिन में थोड़ा कम हो गया, 105 से अब 80-90 के बीच रहा है। क्या कारण हो गया सर ये? ज़्यादा फसल भी एकदम माल पहले कम था, तो उसकी वजह से रेट काफ़ी अच्छा चला हुआ था, 105-110-115 रुपये तक लहसुन बिका, अब लहसुन थोड़ा ज़्यादा आ गया मार्केट में और थोड़ा गिल्ला भी है, जिसके कारण ये थोड़ा मंदी आ गई थोड़ी सोलन मंदी में, और अब 70-80 रुपये लहसुन बिक रहा है, अच्छा लहसुन 80-90 रुपये। क्या आगे क्या लगता है सर, बढ़ पाएगा ये कुछ दिनों में? अब ये फसल के ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी फसल होगी सोलन मंडी में, कितनी आती है, उसकी वजह से अब व्यापारी भी आ रहा है वैसे इधर उधर से, तो इतना तो रेट 100 के आसपास तो रहना ही चाहिए। और वहीं फ्रांस बीन की बात करें, फ्रांस बीन तो ये 39-40 रुपये आज बिकी है, 39-40 मैक्सिमम। और दो तीन दिन पहले काफ़ी महंगी, 10 दिन पहले काफ़ी महंगी थी 100 रुपये का, तब की जो बीन की आमदन थी बहुत कम थी। ये भी सर काफ़ी डाउन आ गई है बीन, क्या है इसके? बीन मार्केट में अब राजगढ़ से अंडा घाट जितने से सारे से बीन यहाँ आ रही है, ताकि जो दिल्ली जा रही थी अब थोड़ा यहाँ महंगी है। सर किसानों का ही एक सवाल था हमारी कि टमाटर की फसल कैसी रहने वाली है? टमाटर का मौसम अभी कुछ पता नहीं चल रहा, कभी बारिश हो रही कभी वो, कभी सूखा तो ज़्यादा पड़ा हुआ, और लोग डरे हुए हैं कि 2 साल से किसानों को रेट नहीं मिला, जिसके कारण किसान भी डरा हुआ है, कम फसल की बीन के, पिछली बार बीन का रेट और शिमला मिर्च का रेट किसानों को बहुत अच्छा मिला, इस बार देखते हैं
कि शिमला मिर्च क्या रेट में, तो टमाटर तो दो साल से बहुत मंदा रहा, इसके कारण किसान भी घबराया हुआ और टमाटर भी कम लगा हुआ। इस बार अगर अच्छा रेट मिला तो ठीक रहेगा, अगर नहीं तो किसान बिल्कुल टूट जाएगा, बिल्कुल निराश हो जाएगा। हाँ, क्योंकि दवाई के जो रेट है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो लोग किसान जो टमाटर में दवाई लेता है, बीज लेता है, बहुत महंगा है। उनके जो बहादुर है यहाँ पे, जो नेपाल से आए हुए, उनका जो ठेके लेते हैं ये चार चार पाँच, उनके ठेके ही पूरे नहीं होते, ये भी सही बात है, इसके कारण परेशानी आती है। शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो शॉप नंबर 25 सुरेश ठाकुर, 94180 29549। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तो दर्शकों, यहाँ पर लहसुन को लेकर हमने चर्चा की, साथ ही साथ आज फ्रांस बीन के यहाँ पर 38 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर बिके, 39 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अभी रही है और 1 रुपये कम यहाँ पर हमेशा रहता है, तो 38 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज बीन बिके। साथ ही लहसुन के बाज़ार की भी हमने चर्चा की। आप सभी दर्शकों से आग्रह कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक और बागवान भाइयों के लिए भी यह जानकारी पहुंच सके। इससे पहले जो हम जानकारी साझा करते हैं, वो फल और सब्जियों की मिक्स्ड यहाँ पर आपके साथ साझा करते हैं। सोलन सब्जी मंडी से सीधी व सटीक जानकारी कि एग्जैक्ट रेट क्या रहने वाले हैं।